बगहा के सिमरिया चकदहा गांव में आग लगने के कारण आधा दर्जन घर जलकर राख हो गए। बताया जा रहा है कि सबसे पहले आग कंचन यादव के घर में लगी, उसके बाद देखते देखते कई घर आग की चपेट में आ गए। इस घटना में लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाया। वही घटना स्थल पर पहुंचकर अधिकारियों ने नुकसान का जायजा लेते हुए पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए राकेश सोनी जुड़ चुके हैं बगहा से। राकेश, बड़ी खबर सामने आई जहां पर कई घर आग के चपेट में आने से वो स्वाहा हो गए, जाना चाहेंगे आग लगने का कारण क्या बताया जा रहा है? जी बता दें कि मधुबनी प्रखंड के खोतावा पंचायत का घटना है, जहाँ लगभग एक दर्जन से अधिक घर आग में जल गया है। आग का कारण अभी पता नहीं लग सका है, लेकिन आग लगने के बाद ग्रामीणों अपने स्तर से आग को काबू करने की कोशिश की है और आग को बुझाए। फायर ब्रिगेड की जो टीम थी बहुत देर से पहुंची थी, जिसके कारण लगभग दर्जनों घर जल गए। लेकिन बता दें कि ग्रामीणों के सहयोग से आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। जो स्थानीय समाज सेवी है उनके सहयोग से आग अग्नि पीड़ित जो है उनकी व्यवस्था की जा रही है और प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्था करने के बाद बताई जा रही है कि जो भी प्रशासनिक स्तर पर जो सहयोग होगा अग्नि पीड़ित को दी जाएगी। लेकिन बता दें कि लगभग इस घटना में 13 घर से अधिक जले हैं। इसमें एक घर में जो शादी था 20 अप्रैल को, जो उनके सारे सामान जल गए हैं। शादी विवाह की तैयारी चल रही थी, उनकी बेटी की शादी थी, तो शादी कारण सारे सामान आग के कारण सारा सामान जल गया शादी वाले की। राकेश, अधिकारियों द्वारा वहां पर मौके पर जायजा भी लिया गया है, क्या यहां पर जो मुआवजा है उसकी बात कही गई है? क्या मुआवजा देने का जो आश्वासन है वो दिया गया उन्हें? जिलाधिकारी और सचिव और जो जनप्रतिनिधि है प्रखंड प्रमुख, ये सारे लोग घटनास्थल का मुआयना किया और जो भी सरकारी जो सरकार का जो नियम है सरकारी नियम के अनुसार उस सारे अग्नि पीड़ितों को सहयोग देने की बात बताई जा रही है। चलिए, शुक्रिया राकेश आपका इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। तो बगहा से ये खबर हमने आपको दिखाया जहां पर एक साथ कई घर आग में जलकर स्वाहा हो गया, साथ ही साथ लाखों की संपत्ति का जो नुकसान है वो हुआ है। हालांकि अधिकारी मौके पर पहुंचकर उन्होंने लोगों से मुलाकात की और नुकसान की भरपाई करने की बात भी कही और आश्वासन भी दिया कि उन्हें उचित मुआवजा भी दिया जाएगा।